इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा बाड़मेर जिला एक नज़र में, यानी कि बाड़मेर जिले में कौन कौन सा बदलाव हुआ है, कौन सी चीज़ बालोतरा में चली गई और कौन सी चीज़ बाड़मेर में, इसके बारे में चर्चा करूंगा। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी है जिसका नाम है राजस्थान के नए जिलों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उस प्लेलिस्ट में आपको 7 से 8 राजस्थान के 9 जिलों के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा चुका हूँ। डेली आपको 2 वीडियो देखने को मिलते हैं इस यूट्यूब चैनल पर, एक शाम को 4:45 बजे नए जिलों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की और दूसरी 7 PM पर क्लास देखने को मिलती है, और मॉर्निंग में 11 बजे राजस्थान करंट अफेयर की क्लास देखने को मिलती है। डेली क्लास देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे नए जिलों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की जो 13 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है वो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। आज 14वीं क्लास में बात करूंगा बाड़मेर जिले के बारे में, कितना बदलाव हुआ है, कितना नहीं हुआ है, और आगे भी आपको इसी तरह नए जिलों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और पुराने जिलों में कितना बदलाव हुआ है उसके बारे में भी क्वेश्चन आपको डेली करवाता रहूँगा। तो सबसे पहले तो मैं बाड़मेर जिले में क्या बदलाव हुआ है जो कि अब बाड़मेर जिले में नहीं माना जाएगा, उन चीज़ के बारे में चर्चा करूँगा, और उसके बाद चर्चा करूँगा कि कौन सी चीज़ है जो अभी भी बाड़मेर जिले में ही है। तो क्वेश्चन पहला है, पचपदरा रिफाइनरी पहले जो बाड़मेर जिले में थी अब वो बालोतरा जिले में मानी जाएगी, यानी कि एग्जाम में पूछा जाए कि तेल रिफाइनरी पचपदरा में राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो पहले आप बाड़मेर कहते थे, अब इसको आप बोलोगे बालोतरा। कहाँ पर बोलोगे? बालोतरा। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि कोई भी अपडेट हो आपको सबसे पहले वहाँ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाकोड़ा जैन मंदिर, एग्जाम में पूछा जाए नाकोड़ा जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में है। ध्यान रहे, अभी आगामी एग्जाम में अगर आपको ऑप्शन में बालोतरा ना मिले और बाड़मेर मिले तब आप क्वेश्चन को छोड़ के मत आना, ऐसा मत समझना कि क्वेश्चन ही रॉन्ग है, ऐसा नहीं है, तब तो आपको बाड़मेर पर क्लिक करना होगा। अगर ऑप्शन में आपको बाड़मेर और बालोतरा दोनों दिखे तब आपको बालोतरा पे ही क्लिक करना होगा, ये खासकर आप ध्यान रखें। आगामी एग्जाम जो 1-2 महीने के अंदर जो भी एग्जाम हो उनमें ये आप ध्यान रखें, जिससे आपको पता चल जाएगा ऑप्शन से कि भाई बोर्ड है वो नए क्वेश्चन पूछ रही है या पुराने ही क्वेश्चन पूछ रही है। तो नाकोड़ा जैन मंदिर अभी आपके राजस्थान के बालोतरा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसोल माता रानी भटियानी मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो ये भी पहले बाड़मेर में था, अब ये बालोतरा जिले में आ गया है, तो जसोल माता रानी भटियानी मंदिर भी अब आपके किस जिले में गिना जाएगा? बालोतरा जिले में गिना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाना दुर्ग राजस्थान के अब बालोतरा जिले में स्थित है, पहले यह आपके राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित था शिवाना दुर्ग, लेकिन अब यह आपके बाड़मेर जिले में ना होकर बालोतरा जिले में स्थित है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स राजस्थान के बालोतरा जिले में स्थित है, पहले ये आपके बाड़मेर में थी, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी अब आपके बालोतरा जिले में हो गई है। आगे ये भी बताऊंगा कि कौन सी चीज़ अभी भी बाड़मेर में है और बनी रही है। नेक्स्ट है, बाटाडू का कुआं आप देख सकते हैं राजस्थान के बालोतरा जिले में स्थित है, किस जिले में स्थित है? बालोतरा जिले में स्थित है, पहले ये बाटाडू का कुआं बाड़मेर जिले में था तो अब आपका हो गया बालोतरा जिले में, क्योंकि बालोतरा जैसे ही जिला बना है तो बहुत चीज़ें आपके बालोतरा जिले में चली गई है। अब बाड़मेर के पड़ोसी जिलों की बात करें तो बाड़मेर के पड़ोसी जिले आपके सांचौर, जैसलमेर और बालोतरा होंगे, ये बाड़मेर के पड़ोसी जिले हैं। और जब बालोतरा के पड़ोसी जिलों की बात करें तो बालोतरा के पड़ोसी जिले आपके होंगे जैसलमेर, जोधपुर ग्रामीण, बाड़मेर, पाली, सांचौर, जालौर। बालोतरा के पड़ोसी जिले बाड़मेर की तुलना में ज़्यादा हैं, बालोतरा में जैसलमेर आ रहा है, जोधपुर ग्रामीण आ रहा है, बाड़मेर आ रहा, पाली आ रहा, सांचौर आ रहा और जालौर आ रहा। नेक्स्ट है, विश्व की प्रसिद्ध पॉपलिन कपड़ा उद्योग अब राजस्थान के बालोतरा जिले में स्थित है, पहले बाड़मेर में गिना जाती थी लेकिन अब आपके बालोतरा जिले में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। और राजस्थान के नए जिलों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो, डेली आपको राजस्थान के नए नए जिलों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इतने दिन तो तिलवाड़ा पशु मिला आप लिख के आते थे बाड़मेर, लेकिन आगामी एग्जाम में अगर आपको ऑप्शन में बालोतरा देखने को मिले तो आपको बालोतरा पे ही क्लिक करना होगा कि तिलवाड़ा पशु मिला है वो बालोतरा जिले में लगता है। नेक्स्ट है, 56 की पहाड़ियाँ, एक होता 56 का मैदान और एक होता 56 की पहाड़ियाँ। 56 का मैदान राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है और 56 की पहाड़ियाँ अब आपके बालोतरा जिले के नाकोड़ा से संबंधित है। नाकोड़ा कहाँ है? बालोतरा जिले में, और ये नाकोड़ा में स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन से जिले में स्थित हो गया है 56 की पहाड़ियाँ अब?
बालोतरा जिले में स्थित हो गया है। पचपदरा खारे पानी की झील, ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि खारे पानी की झील में बहुत फेमस है पचपदरा झील, जो कि पहले आपके बाड़मेर में थी, अब पचपदरा झील भी आपके राजस्थान के बालोतरा जिले में गिनी जाएगी। किस जिले में गिनी जाएगी? बालोतरा जिले में गिनी जाएगी। अब मैं बात करूंगा उन चीज़ की जिनमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ, अभी भी वो बाड़मेर जिले में ही हैं, पहले भी बाड़मेर जिले में थे। तो उनमें सबसे पहले आता है क्रूड ऑयल बाड़मेर जिले में उत्पादित होगा। क्रूड ऑयल राजस्थान के किस जिले में उत्पादित होता है? तब ये बाड़मेर ही होगा, बालोतरा नहीं होगा। ध्यान रखें, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम मोटिवेट होकर नए नए वीडियो बनाते हैं। नेक्स्ट है, पाकिस्तान से बाड़मेर की सीमा पहले जितने ही लगेगी, यानी कि पहले पाकिस्तान से बाड़मेर की जो सीमा है 228 किलोमीटर लगती थी, अभी भी वही लग रही है, इसमें कोई ना कमी हुई है ना ज़्यादा हुई है। तो आपका हो जाएगा 228 का 28 ही रहेगा, तो पाकिस्तान से जो बाड़मेर की सीमा है उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। लिग्नाइट कोयला संचालित कंपनियां जैसे JSW हुई है, गिरल हुई है, तो ये सभी कंपनियां बाड़मेर जिले में ही रहेगी, ये आपके बालोतरा जिले में नहीं गिनी जाएगी। ये सब कहाँ पर होगी? आपके बाड़मेर जिले में ही रहेगी। नेक्स्ट है आपका, वेदांता केयर इंडिया का तेल का उत्पादन बाड़मेर से ही करेगी। वेदांता केयर इंडिया कंपनी है, ये तेल का जो उत्पादन है वो आपके बाड़मेर जिले से ही करेगी, बालोतरा से नहीं करेगी। तो यानी कि ये आपका जो चेंज नहीं हुआ। विरात्रा माता मंदिर आपके बाड़मेर जिले में स्थित है, ये आपके कहाँ पर स्थित है? विरात्रा माता का मंदिर बाड़मेर जिले में ही स्थित है। नेक्स्ट है आपका, सुइया मेला जो कि चोटन में लगता है, बाड़मेर के कहाँ पर? बाड़मेर जिले में चोटन में लगता है, इसलिए ये आपके बाड़मेर जिले में ही स्थित है। सुइया मेला कहाँ पर स्थित है? चोटन में, और चोटन है आपके बाड़मेर। एग्जाम के दृष्टिकोण से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अजरक और मलिर प्रिंट अभी भी बाड़मेर जिले से संबंधित है, ये आपके बालोतरा में नहीं गई है। ध्यान रखें, बहुत ही फेमस है ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से, बहुत बार पूछा गया अजरक प्रिंट राजस्थान के किस जिले से संबंधित है, या फिर मलिर प्रिंट राजस्थान के किस जिले से संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाएगा बाड़मेर। ध्यान रखें, इसमें आपका बाड़मेर ही रहेगा, बालोतरा नहीं होगा। नेक्स्ट है, रागेश्वरी गैस टर्मिनल गैस भंडार बाड़मेर जिले में ही स्थित है। कौन से? रागेश्वरी गैस टर्मिनल गैस भंडार कहाँ पर स्थित है? आपके बाड़मेर जिले में ही स्थित है। उसके बाद बाजरा अनुसंधान बाड़मेर जिले में गुड़ा मालानी से संबंधित है। अब गुड़ा मालानी से संबंधित क्या है? बाजरा अनुसंधान, और गुड़ा मालानी कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर जिले में। तो फिर बाजरा अनुसंधान का संबंध बाड़मेर जिले से ही होगा, ना कि बालोतरा जिले से। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या में देखें तो इनमें भी कोई भी बदलाव नहीं हुआ, पहले के जैसे वैसे का वैसा रहेगा। बाड़मेर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। जवाई नदी लूणी नदी में बाड़मेर के गुड़ा मालानी में मिलेगी। जवाई नदी लूणी नदी में बाड़मेर के कहाँ पर मिलेगी? गुड़ा मालानी में ही मिलेगी। इसमें भी आपका कोई भी बदलाव नहीं हुआ, यानी कि जो चोटन धोरीमना गुड़ा मालानी में इलाके हैं वो वहाँ के वहाँ ही रहेंगे, क्योंकि ये सभी बाड़मेर के अंतर्गत आते हैं। गुजरात से सीमा बाड़मेर की जो पहले थी अभी भी वही है, इसमें भी कोई भी बदलाव नहीं आया है, कोई भी बदलाव नहीं आया है। तो आपका गुजरात की सीमा भी उतनी ही लगेगी। अब वो चीज़ें जो बाड़मेर में भी हैं और बालोतरा में भी है, तो लूणी नदी आपके बाड़मेर और बालोतरा दोनों जिलों में होगी। कौन सी नदी? लूणी नदी, इसमें खारे पानी होता है, तो इस ये लूणी नदी है, ये आपके बाड़मेर में भी है और बालोतरा में भी होगी। लास्ट है, जामसागर अमृतसर सुपर एक्सप्रेस वे बाड़मेर और बालोतरा दोनों जिलों से होकर जाएगा। कौन सा एक्सप्रेस वे? जामनगर अमृतसर सुपर एक्सप्रेस वे बाड़मेर और बालोतरा दोनों जिलों से होकर जाएगा। तो ये था आपका बाड़मेर जिले से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि क्या बदलाव हुआ है, क्या बदलाव नहीं हुआ उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। डेली आपको इसी तरह नए जिलों से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास दो देखने को मिलती है, एक शाम को 4:45 बजे और एक शाम को 7 PM पर, और मॉर्निंग में 11 बजे करंट अफेयर राजस्थान की भी इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।